बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। कल बिग बॉस में बहुत से फैंस चाहते थे कि राहुल वैद्य ही इस सीजन के विनर बने। ऐसे में राहुल वैद्य भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि वो ही बिग बॉस सीजन 14 का खिताब जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राहुल बिग बॉस सीजन 14 रुबीना से हार गए। अब ऐसे में घर से बाहर आने के बाद राहुल ने रुबीना के बारे में क्या कहा, अपनी हार के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। बिग बॉस सीजन 14 में रुबीना के साथ टॉप 2 में पहुंचने के बाद राहुल वैद्य इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके। राहुल वैद्य को अपनी जानी दुश्मन के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को बिग बॉस सीजन 14 के विनर ना बन पाने का मलाल हो रहा है और इस बात का खुलासा खुद राहुल वैद्य ने ही किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राहुल वैद्य ने कहा, मैं इस बात से खुश हूं कि अब बिग बॉस 14 का मेरा सफर खत्म हो गया। किसी भी शो में केवल एक इंसान ही विनर बन सकता है। मुझे लगता था कि बिग बॉस 14 का विनर बनने लायक हूं। मैंने शान के साथ हार का सामना किया है। राहुल वैद्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मैं फैमिली के साथ समय बिता सकता हूं। अब मैं दिशा परमार के साथ समय बिता सकता हूं। टॉप 2 में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे अजीब लग रहा है कि बिग बॉस 14 के फिनाले में हारने के बाद भी मैं दुखी नहीं हूं। जो भी फैसला जनता ने किया, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। ये मेरी किस्मत है जो ट्रॉफी के इतने करीब आकर भी मैं जीत ना सका। इंडियन आइडल में भी मैं रनर अप ही बना था। 15 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया गया है। तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल वैद्य ने खुलासा करते हुए कहा, दिशा परमार मेरे हार जाने से बहुत दुखी हैं। मैंने उसको समझाया है कि जिंदगी में ये सब होता ही रहता है, हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मेरी और रुबीना दिलाइक के बीच दुश्मनी की क्या वजह थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब हम दोनों अपनी अपनी जगह पर खुश रहने वाले हैं। वैसे भी बिग बॉस 14 के घर में रहकर मैंने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है। आपको बता दें, राहुल वैद्य ने बिग बॉस के घर में रुबीना के साथ भले ही लड़ाई की हो, लेकिन उन्होंने शो खत्म होते ही उनसे अपनी दुश्मनी भुला दी थी। शायद राहुल का यही अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। राहुल के गेम की बात करें तो उन्होंने शो में एजाज खान, जैस्मीन भसीन के अलावा रुबीना दिलाइक से लड़ाई की थी, लेकिन उन्होंने अली गोनी के तौर पर एक दोस्त भी पाया। इसके अलावा उन्होंने शो में दिशा परमार को प्रपोज किया तो शो को अच्छी टीआरपी भी मिली थी। कुल मिलाकर बिग बॉस सीजन 14 में राहुल वैद्य की जर्नी फैंस को बेहद पसंद आई थी। वेल, राहुल के इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।